नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्ववेत्ता हूँ। इस वर्ष डॉक्टर वाकणकर की जन्म शताब्दी समा चल रहा है। मैं उनके साथ बचपन से ही जुड़ा हूँ, तो कुछ संस्मरण कुछ यादें मेरी उनके साथ है, जो जब भी मैं रोज, आज कोई ऐसे दिन नहीं जाता है जिस दिन उनकी याद नहीं आए हो। उनका जो जन्म है नीमच में 1919 को, 4 मई 1919 को हुआ था। वो बचपन से ही बड़े मेधावी थे, वो पुरातत्व के में रुचि थे। उनके पिताजी वाकणकर, श्रीधर वाकणकर, वो भी पुरातत्व में रुचि रहते थे और ग्वालियर राज्य में वो ओवरसियर थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके चाचा भी पुरातत्ववेत्ता थे, हिस्टोरियन थे और धार राज्य में रहते थे। उनके संपर्क में मैं अपने पिताजी के कारण आया। मैं बचपन से ही चित्रकारी का शौक था, घर पर ड्राइंग्स वगैरह बनाया करता था। एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुमको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम ड्राइंग सीख सकते हो। मेरे पिताजी आर्य समाज में प्रधान थे उज्जैन में। एक बार उन्होंने वाकणकर जी का प्रवचन वैदिक साहित्य के ऊपर रखा और आर्य समाज में बुलाया और मुझे भी ले गए। और प्रवचन होने के बाद मुझे उनसे परिचय करवाया कि मेरा पुत्र नारायण है और ड्राइंग बनाता रहता है और जगह जगह कुछ न कुछ कोयले से बनाएगा, दीवारें खराब कर देता, तो आप इसको कुछ अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा अगले दिन से भेज दीजिए हमारे कला भवन में। उनका भारतीय कला भवन उज्जैन में था, श्रीगंज में। अगले दिन पिताजी मुझे वहाँ छोड़ के आए और मैंने वहाँ ये शिक्षा ग्रहण की। वो पुरातत्व में रुचि तो मेरी वैसी ही थी, परंतु जब मैं ड्राइंग वगैरह बनाया करता था तो उनके जो मूर्तियाँ रखी रहती वाकणकर जी के यहाँ, तो मूर्तियों के भी ड्राइंग बनाता था। जब उन्होंने देखा मेरी रुचि पुरातत्व में है, तो उन्होंने कहा तुम पुरातत्व क्षेत्र में क्यों नहीं आ जाते। उस समय मैं कॉलेज में भी पढ़ता था और कॉलेज में उन्होंने एक छोटा सा संग्रहालय पुरातत्व विभाग खोला था, मैं वहाँ जाके बैठा करता था। वो चीज़ें मेरे को समझाते ही 1966-67 की बात है, और उन्होंने कहा कि तुम इसमें पुरातत्व में एमए भी कर लो और एमए करने के बाद तुम्हारी लाइन अच्छी मिल जाएगी। मैंने पुरातत्व में एमए किया उनके साथ में, 1970 में मैंने कम्प्लीट किया एमए। बाद में उन्होंने कहा कि तुम पुरातत्व का डिप्लोमा भी कर लो, जो दिल्ली से होता है पोस्ट ग्रेजुएट आर्कियोलॉजी का, वो भी मैंने कर लिया। उसके पहले क्या था कि जब मैं एमए कर रहा था उस समय जगह जगह वो हमें ये भ्रमण पे ले जाते थे, प्रैक्टिकली सिखाते थे। जब हम एमए पढ़ते थे हमारे कुछ विद्यार्थी थे गांव से आते थे। एक हमारे मांगेलाल पंड्या थे जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि नारायण मेरे गांव के पास एक बहुत बड़ा टीला है और ठीकरे ठीकरे बहुत मिलते हैं, क्योंकि वो चित्र बताते थे वाकणकर जी। तो एक दिन मैं और हमारे मित्र दोनों गाँव गए, वहाँ रुके और अगले दिन सुबह हमने देखा वो दंगवाड़ा नाम की साइट है वहाँ। हम कुछ ठीकरे वगैरह हम तो समझते नहीं थे, ले आए और वाकणकर जी को दिए। वाकणकर जी एकदम खुशी से उछल गए, उनकी विशेषता थी कोई भी चीज़ उनको अच्छी दिख जाती तो उछलने लग जाते थे, जैसे हाथ पे से नाचने लग जाते हैं, इतनी प्रसन्नता होती थी कि ये क्या चीज़ है। तो बोले मेरे को भी साइट चल के देखना है और ले चलो। अगले दिन मैं, मिस्टर पंड्या जी और वाकणकर जी तीनों बस से वहाँ गाँव गए और रात रुके। और अगले दिन जब हम वहाँ दंगवाड़ा गए जो चंबल नदी किनारे बसा हुआ था, तो देख के इतने प्रसन्न हो गए, इतनी बड़ी साइट, बहुत बड़ी साइट उज्जैन के पास है। और उन्होंने वहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन ढूंढे और कुछ उन्हें सिक्के मिले, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि कायथा संस्कृति जो यहाँ मिलती सब जगह, हो सकता है यहाँ पर भी मिल जाए। उसके पहले उन्होंने कायथा उत्खनन किया था। कायथा उज्जैन के पास एक बहुत बड़ी साइट है, वहाँ पर वो काम किया करते थे कायथा में। और कायथा संस्कृति के जो अवशेष मिले, तो वाकणकर जी का ऐसा कहना, उन्होंने बहुत अध्ययन किया था हड़प्पा कला का और हड़प्पा कल्चर का। तो उनका ये कहना था कि हड़प्पा की जो संस्कृति है ये कायथा की संस्कृति के बाद की है। तो उनका कहना कि प्री हड़प्पन उज्जैन में कायथा साइट है, कैसी होना चाहिए। तो उनके ये मत को काफ़ी माना और उन्होंने उत्खनन भी किया। और जब जब जहाँ भी जाते थे वो कुछ बड़े प्रेम से हमें चीज़ समझाते, कोई भी चीज़ हो कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ है, ये समझाते थे। कई बार हम वो गांव वाले जब ये देखते थे कि ये घूमते रहते गांव में, तो गांव वाले बुलाते भी थे हम लोगों को, वो नई नई चीज़ें हमें दिखाया करते थे। इस प्रकार हमने कई साइट खोजी। जब मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी करके आया तो उस समय उनका विचार था भीमबेटका उत्खनन करने का। जब भीमबेटका के बारे में जब बात हुई तो बोले तुम अभी बेरोजगार हो, काम है नहीं, तो तुम मेरे साथ रहना, असिस्टेंट बन के रहना, मेरे साथ काम सीखना करना। मैंने ठीक है। और भीमबेटका हम जब गए तो उसके पहले उन्होंने पूरा बताया कि भीमबेटका की खोज कैसे हुई। उन्होंने बताया कि भीमबेटका जो है, एक बार वो किसी काम से ट्रेन से नागपुर जा रहे थे, भोपाल से नागपुर, अब्दुल्लागंज में ट्रेन रुकी थी। वो ट्रेन से जब ट्रेन रुकने के बाद जब वो प्लेटफार्म पे उतरे अब्दुल्लागंज के, तो देखा सामने दक्षिण साइड में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई है। बड़ी मन में उत्सुकता हुई, तो अगला जो स्टेशन था बरखेड़ा, वहाँ उतर गए। वहाँ उतरने के बाद रात्रि विश्राम किया और अगले दिन सुबह वो भीमबेटका के पहाड़ों की सीधाई से सीधे चले गए। रास्ते दोपहर हो गई थी,
उनको कुछ भूख जैसी भी लगने लगी, लेकिन जब उनको जब काम जब रहता तो भूख के बारे में भूख और ये कोई चिंता करते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उनके पास वो आलू रखे रहते थे, तो ना वहाँ एक छोटी जामन झीरी एक नाला है, नाले किनारे उन्होंने रेत को हटाया और आलू को रख के फिर रेत से दबा दिया। दबाने के बाद उसने आग जला के रख दी लकड़ियाँ वगैरह लेकर, और सीधे पहाड़ी पर चले गए। पहाड़ी पर जो भीमबेटका की जो मेन पहाड़ी है वहाँ जाते देखा एक बाबा जी का मंदिर है, और बाबा के मंदिर में एक बाबा एक दुर्गा मंदिर है, बाबा जी का है, वो वहाँ मिले। उनका नाम था शालिग्राम दास जी। उनसे जब परिचय हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, चित्रकला देखने, रॉक पेंटिंग में काम कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं, और यहाँ पे तो उसको चुड़ैल की दांत बोलते हैं, रक्तपुत्रियाँ बोलते हैं, ऐसी गाँव वालों की ऐसी धारणा उन्होंने बताई। बोले कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बाबा जी शालिग्राम दास जी के साथ वो गए और कई चीज़ें देखी। तब भोजन का जब समय हुआ कि भाई खाना खा लो, तो वाकणकर जी ने कहा मैं खाना तो मेरा तो तैयार बना हुआ, मैं तो रस्ते में रखा हुआ है। तो बाबा को आश्चर्य हुआ कि वैसे आए और ऐसे कैसे हो। तो बाबा के साथ वो जामन जीरी किनारे के नाले किनारे गए, वहाँ उन्होंने देखा कि तब आग बुझ चुकी थी और आलू अच्छे भून गए थे। तो बाबा जी बड़े प्रसन्न हो कि देखो कितना फील्ड में काम करने वाला आदमी है, वो कैसे काम कर रहा है। तो उन्होंने बताया आलू है और नमक साथ में रखता हूँ, आलू और नमक उनको बाबा को भी खिला है, और ये उन्होंने खुद नहीं खाया। तब से वो बाबा उनको आलू महाराज कहते थे, उनका एक नया हरिभाव तो नाम था, एक आलू महाराज जो नाम हुआ वो हुआ। तब जब फिर बाद में जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो समय समय पे वो जाते गए, मेरे को भी ले गए भीमबेटका, एक दो लोग और भी साथ गए। तो पहले हम 3 दिन तो वो बाबा की गुफा में रहे वहाँ ऊपर पहाड़ी पर, और वहाँ तो कोई जंगल था, कुछ अंधेरा था, ना कोई खाने पीने का कुछ था। बाबा रोटी टिक्कड़ बना देते थे और वो मसूर की दाल वो हमें खिलाया करते थे। और जब काम शुरू हुआ तो पूरा सर्वे हमने शुरू किया। अब वो क्या उनका ये था कि भाई अपन लोग काम तो करते, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए साथ में, अपने गाने वाने गाते थे, भजन भी गाते थे। फिर उन्होंने सुझाव दिया नहीं यार अभी ये जनवरी का महीना है, अपन गुल्ली डंडा खेला करेंगे। तो रोजाना शाम को जब कैंप में जब शाम को हम काम से वापस आते थे वो गुल्ली डंडा खेला करते थे, और उसमें मजा आता। मैं एक भाटी जी सुरेंद्र कौर आर्य और वाकणकर जी, हम 3-4 लोग डेली कोई ऐसे दिन 3 महीने तक गए। वो कहना चाहिए कि वो मनोरंजन भी साथ रखते थे, तो कहना चाहिए कि वो उनके काम के प्रति भी निष्ठा थी। और उसी समय ऐसा था कि उनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया, वैसे समाचार मिले थे, उज्जैन भी गए और अगले दिन वापस आ गए। तो हमने कहा सर आप वापस कैसे आ गए, तो बोले नहीं जी हम जो काम उतना जरूरी है वो तो ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया वो तो एक जैसे कहना चाहिए मन में तीस तो थी, लेकिन फिर भी काम के प्रति उनका था। तो फिर वापस काम शुरू हुए और उनके साथ पूरे 10 किलोमीटर का जंगल भीमबेटका का पूरे सर्वे किया। करीब 650 रॉक शेल्टर थे, उसमें कई चित्र थे अलग अलग पीरियड के। मैं वाकणकर जी और एक सुबह निकल जाते शाम को आते थे, उत्खनन भी कार्य किया करते थे। एक बार सुबह सुबह हमें ले गए कि चलो अपन चलते हैं थोड़ा देख के आते हैं। तो वो उनका क्या था कि एक तांबे का भाला हमेशा रखते थे साथ में, तांबे का बिल्कुल पॉइंटेड होता, ताकि क्योंकि जंगली जानवर होते थे कभी भी अटैक कर सकते। सुबह सुबह 5-6 बजे हम गए, थोड़ा उजेला हुआ तो सामने एक लकड़ भग्गा दौड़ते हुए आया वाकणकर जी की तरफ लपका। अब वाकणकर जी तो बिल्कुल इतने अलर्ट रहते थे कि बिल्कुल ही वो बिल्कुल कहना चाहिए कि वो कुछ दिखा सूझा नहीं, उन्हें भाला उठा के ऐसा फेंका उसके ऊपर लकड़ भग्गे के ऊपर, लकड़ भग्गे लगी जरूर लेकिन वो चिल्लाता भाग गया। तो इस प्रकार जो तत्काल जो प्रत्युत्पन्न होती उनमें जो थी वो तत्काल काम की होती थी। और वहाँ भीमबेटका में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी आया करते थे, उन्होंने भी वहाँ देखा। डॉक्टर संकालिया भी आए थे, प्रोफेसर राजाराम, प्रोफेसर बादाम भी आए, राजगुरु भी आए, प्रोफेसर पप्पू आए, यानी कहना चाहिए इतनी ख्याति हुआ कि फैल गई कि विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो प्रोफेसर रॉबर्ट ब्रुक्स जो अमेरिका के कल्चरल एटेची रह चुके थे वही भीमबेटका आए, उन्होंने देखा कि पूरा भीमबेटका इतना विश्व के अंदर इतना नाम हो गया है, और लाके वहाँ सैकड़ों हजारों लोग आने लगे। हमें भी लगा कि भाई ये इतनी बड़ी साइट है संरक्षित होना चाहिए। मैं भी उसके बाद कैंप के बाद में सर्विस में आ गया, तो मेरा पहला उद्देश्य अपना काम का ही माना कि भीमबेटका पूरा सर्वे किया जाए और प्रोटेक्शन किया जाए। और पूरा साइट को हमने पूरी मेहनत करके पूरा सर्वे किया। तो उसमें वाकणकर जी भी साथ में रहते थे हमारे, हमारे डिपार्टमेंट के सर्वेयर वगैरह सब रहते थे, सब मिलके पूरा हमने पूरा सर्वे करके फिर प्रपोजल तैयार किया। लेकिन ये है कि 1980 के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। उसी समय कुछ विश्व धरोहर के विषय में भी चलता था वर्ल्ड हेरिटेज का, तो वाकणकर जी के तो जानते अचानक ही गुजर गए थे। काम के प्रति उतना लगन इतना रहता था कि वो कभी थकते भी नहीं थे। अंतिम समय में क्या हुआ कि जब वो
ऐसा लगा कि उनको कुछ तबीयत ठीक है, थे कुछ विश्राम करके उनको कहीं सिंगापुर जाना था, तो वो विश्व हिंदू परिषद की कोई कार्यक्रम था, वो सिंगापुर गए और 3 अप्रैल 1988 की रात में या दिन में कैसे समय निश्चित नहीं था, लेकिन यह है दोपहर बाद उनका वहाँ देहावसान हो गया। पूरे पूरे पुरातत्व क्षेत्र में बड़ी क्षति मानी गई है हमारे, क्योंकि क्योंकि इतने कर्मण आदमी और अचानक चले जाना, काम पूरे नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनके जीवन में। हम क्या बताएं कितने ही रहस्य हैं जो अभी उनके मन के अंदर ही छुपे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर कई विद्यार्थी भी तैयार किए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो बिल्कुल पेंटिंग के साथ साथ पुरातत्व ही काम करते थे। उनने राग पेंटिंग जो सेल चित्रकला में जो काम शुरू किया 1953-54 से किया, क्योंकि जब ये गांधी सागर डैम जो बना था जो चंबल नदी किनारे मंदसौर के पास भानपुरा है, वो डैम बनने के कई साइड्स डूबने वाली थी, तो वो ऐसा लगा कि कितनी साइड्स जो राक आर्ट की है या पुरातत्व महत्व की डूब जाएगी, तो उन्होंने मध्य भारत आर्कियोलॉजी से बात हुई, तो डॉक्टर एच वी त्रिवेदी थे उनके साथ वो वहाँ पर गए, पूरे भानपुरा क्षेत्र में जितना चंबल वैली में जो गांधी सागर डैम बन रहा है जितने डूब आने वाले स्थान थे पूरा उन्होंने सर्वे किया 1953-54 में। उनके साथ उनके जो पहले शिष्य थे सच्चिदानंद नागदेवे थे, रहीम बुट्टीवाला थे, मिस्टर कुरेशी थे, ये लोग उनके साथ को सर्वे किया, लेकिन उसके बाद ये काम अधूरा रह गया। तो हमें भी मन में लगा कि काम यदि ये आधा छोड़ के गए हैं पूरा कौन करेगा, तो हमने फिर मेहनत तो लगा से हमने क्या किया, विभाग में आने के बाद भारतीय पर्यटन सर्वेक्षण की ओर से वहाँ गए और पूरा सर्वे करवाया। वो प्रमुख प्रमुख जो स्थल है वहाँ के चतुर्भुज नाला है और सीता खड़ी है जो प्रमुख स्थान, वो हमने प्रोटेक्ट।